गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम बैक, योर हनी मैम बैक विद द न्यू चैप्टर ट्रायंगल्स ऑफ क्लास 10th. आई फाउंड दैट सो मेनी स्टूडेंट्स आर जस्ट सेइंग कि मैम दिस चैप्टर इज टू टफ, जस्ट लेट अस नो ऑल द क्वेश्चंस व्हिच आर एक्चुअली डिफिकल्ट इन द चैप्टर. सो आई हैव फाउंड सम ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन फ्रॉम बेसिक कॉन्सेप्ट एंड टू द एडवांस. तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन, बट बिफोर दैट, स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन, आई जस्ट वॉन्ट टू गिव योर अटेंशन और जस्ट ओवरव्यू ऑल द कॉन्सेप्ट, द बेसिक कॉन्सेप्ट विच यू शुड नो बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट. ये सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है, ट्राइंगल्स हमने 7th में भी पढ़ा है, ट्राइंगल्स हमने 9th में भी पढ़ा है और 10th में भी पढ़ रहे हैं. तो 7th में जो पढ़ा था वो ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी था, जिसमें कि कुछ बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो आपके नेक्स्ट क्लासेस के लिए काम आएंगी. 9th में हमने जो चैप्टर पढ़ा वो था कॉन्ग्रेंस ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के बारे में, मतलब कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में, जिसमें दो ज्योमेट्रिक फिगर्स के ना सिर्फ शेप उनकी साइज भी बराबर होनी चाहिए, तब कोई दो ज्योमेट्रिक फिगर्स को कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स कहते हैं. लेकिन यहाँ पे जब दो ज्योमेट्रिक फिगर्स की सिर्फ शेप सेम हो, necessarily ये ज़रूरी नहीं है, not necessarily their size should be same, then these type of triangles are called similar triangles. इसका मतलब है मैं यहाँ पे कुछ shapes को दिखा रही हूँ आपको, ये circles तो हैं, ये इनके shape तो same है but इनकी size same नहीं है, ठीक है. तो we can say that this figure is similar. Then नीचे मैंने आपको दिखाया है कि ये squares हैं, स्क्वायर्स के स्क्वायर तो शेप तो सेम है लेकिन इनकी साइज सेम नहीं है. तो इसका मतलब दीज आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रेंट. देन ट्राइंगल्स आर देयर, देन ट्रेपेजियम आर देयर, देन क्वाड्रिलेटरल यू कैन टेक, मतलब ऐसे कोई भी शेप जिनकी क्या बोलते हैं शेप सेम हो पर साइज सेम नहीं होती है, उनको हम सिमिलर फिगर्स बोल सकते हैं लेकिन हम कॉन्ग्रेंट फिगर्स नहीं बोल सकते. और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, दो ट्राइंगल्स सभी सिमिलर होते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स सिमिलर हों या फिर उनके जो साइड्स हैं वो होते हैं इन सेम रेशियो, प्रोपोर्शनल एंड इक्वल, ठीक है. तो ये है थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट्स सिमिलर ट्राइंगल्स के ऊपर. अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर दो ट्राइंगल हैं ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक, पी क्यू आर, ये दोनों तभी सिमिलर होंगे when their sides are proportional and equal. AB लिया तो PQ ही लेना है आपको, BC लिया तो QR लेंगे आप, ठीक, and AC लिया तो PR लेंगे आप. इस सिचुएशन में they are, the sides are proportional and equal. और जब ऐसी सिचुएशन आती है जब दो ट्राइंगल की साइड्स के बारे में हम बोलते हैं तो these triangles are similar by SSS. I should not write this. ठीक, तो ये SSS क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए. लेकिन अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि इसमें कोई भी दो साइड्स को प्रोपोर्शनल लिया जाए, ठीक, BC upon QR, और किसी एक एंगल को इंक्लूड किया जाए, एंगल B is equals to एंगल Q, तो फिर से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं बाय SAS क्राइटेरियन, ठीक है. और फिर से एक और सिचुएशन मैं आपको दूंगी यहीं पे कि अगर दोनों ट्राइंगल को सिमिलर मानते हैं और सिर्फ एंगल्स के बारे में बात हो रही है, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P, ठीक, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल P, लेट मी राइट, इट्स एंगल P, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R, तो फिर यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ एंगल्स के बारे में बात की, तो ये भी दोनों ट्राइंगल फिर से सिमिलर हो जाएंगे बाय AAA क्राइटेरियन. तो आप अब समझ गए होंगे कि इस सिमिलैरिटी में कौन कौन सी क्राइटेरिया यूज़ होने वाली है, ठीक है. आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, दो ज्योमेट्री फिगर तभी सिमिलर होंगे जब उनकी शेप सेम हो, उनकी साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब एंगल्स भी अगर हमको सिमिलर इक्वल प्रूफ हो गए तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे. सारे साइड्स अगर इक्वल और प्रोपोर्शनल हो गए तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे.
और कोई भी दो साइड और एक एंगल अगर प्रूफ हो जाता है इक्वल, तो भी वो ट्राइंगल सिमिलर होंगे, बट कॉन्गरेंसी के लिए ये रूल नहीं था। तो आप अपने माइंड में कॉन्गरेंसी और सिमिलरिटी को मिक्सअप मत कीजिएगा, ठीक है? बिकॉज ऑल द सिमिलर ट्राइंगल्स कैन नॉट बी कॉन्गरेंट, बट ऑल द कॉन्गरेंट ट्राइंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट जरूर याद रखिएगा, ये वन मार्क में बिल्कुल पूछ सकता है, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। We have done all the basic concepts. Now we will go for the question. ठीक, तो let's start. Question क्या होगा आपका, कि आपके पास एक triangle है जिसमें DE is parallel to AC है। चलिए एक triangle है आपके पास, ये triangle हम फिर से बना लेते हैं, या उस triangle को drag करके हम लेके आते हैं। ये है आपका एक ट्रायंगल, ठीक, दो हो गए हैं, नो इशू, जस्ट सी, ये आपके पास एक ट्रायंगल है और उसमें क्या है, इसमें डी ई इज पैरेलल टू ए सी, ठीक, ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में, इट इज गिवन इन योर क्वेश्चन। एंड व्हाट इज अदर कॉन्सेप्ट, डी एफ इज पैरेलल टू ए ई। चलिए इसमें ये भी कॉन्सेप्ट लिख देते हैं कि डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, ठीक, आपका क्वेश्चन यही था, बिल्कुल यही था, प्रूव दैट बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी, टू प्रूव, ये गिवन है आपका, ठीक है? आपको करना है टू प्रूव में देखिए आप क्या कर रहे हैं, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन बी ई अपॉन ई सी, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट विद दी स्टेप्स, आप यहाँ लिख दीजिए प्रूफ और आप दो ट्राइंगल देख लीजिए, कौन से दो छोटे, पहले ये दो छोटा वाला ट्राइंगल लीजिए, ये ए बी और ई ले रहे हैं आप, जिसमें जो डी एफ है वो ए ई के पैरेलल है, ठीक है? यहाँ पे देखिए इन ट्राइंगल A B E, D F is parallel to A E, ये आपका तो गिवन ही है, ठीक? जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं तो उनके साइड्स प्रोपोर्शनल और इक्वल ले सकते हैं हम लोग, तो चलो लेते हैं, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई। अगर आपने बी एफ अपॉन एफ ई लिया है तो डी बी अपॉन, ये भी कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है कि आप किस साइड के बाद किस साइड में जा रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप चेंज करेंगे और यहाँ लिखेंगे बी डी अपॉन डी ए, इक्वेशन नंबर वन, ठीक है? फिर एक ट्रायंगल ले लीजिए आप ट्रायंगल लेंगे अब ए बी सी, ठीक, ए बी और सी, जिसमें आपका डी ई पैरेलल होगा ए सी के, तब इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक, डी ई इज पैरेलल टू ए सी, सो बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी, इक्वेशन नंबर टू, ऑन कंपेयरिंग वन एंड टू, आप कंपेयर करिए वन एंड टू में, आप क्या देखेंगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। वन एंड टू वी गेट, देखिए बी डी बी एफ अपॉन एफ ई के भी इक्वल है, बी डी अपॉन डी ए बी ई अपॉन ई सी के भी इक्वल है, इसका मतलब ये पूरा पार्ट इस पूरे पार्ट के इक्वल है कि नहीं? यस मैम, सो बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी। अब आप चेक कर लीजिए, तो आपको टू प्रूफ में यही प्रूफ करना था क्या? बिल्कुल यही प्रूफ करना था, सो हैंस प्रूव्ड, ठीक, डन। तो ये था आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जिसको आप बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है ऑफ एक्सरसाइज 6.2। सो जस्ट वेट फॉर माय न्यू क्वेश्चन विद द सेम चैप्टर, सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।